आप हमको सदन में रोक सकते हैं, सड़क से बोलने पर नहीं रोक सकते। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आपको रात में भी सपने में याद आएगा। पहले भी कहा कि कार्रवाई नीतीश कुमार जी के ऊपर होना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, महिलाओं के बारे में जिस तरह से दोनों सदन में उन्होंने बखान किया, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जो जीतन राम मांझी जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। उन समाजवादी चोला पहनकर माननीय नीतीश कुमार जी जैसा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार, झारखंड, देख रहे हैं। देखिए, सुनील सिंह नीतीश कुमार को लेकर आग बबूला हो गए हैं। आपको बता दें, सुनील सिंह की जब से सदस्यता गई है तब से सुनील सिंह लगातार नीतीश कुमार पर दुगुनी रफ्तार में बोल रहे हैं। पहले सदन में नीतीश कुमार को लेकर बोलते थे, लेकिन अब सदन के बाहर भी नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पे कार्रवाई हुई है तो हम भी इसका बदला लेंगे। वही आरजेडी कह रही है कि सुनील सिंह की सदस्यता गई है, ऐसे ऐसे 10 सदस्य का कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज सुनील सिंह का यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया था आरजेडी कार्यालय में, और सुनील सिंह खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसा भ्रष्टाचारी नेता पूरे देश में नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह, पहले अपन के बयानों को सुने। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सदन में जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को उन्होंने तिलांजलि दे दी, तिलांजलि दे करके उनका एक ही था कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को हम सामने में नहीं देखना चाहते हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करता है, लगातार वो पलायन की बात करता है, लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई नीतीश कुमार जी के ऊपर होना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, महिलाओं के बारे में जिस तरह से दोनों सदन में उन्होंने बखान किया, जिसकी आलोचना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए जो जीतन राम मांझी जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था कि जो महिला हमारी विधायिका हैं दलित समाज से आती हैं उनको उन्होंने लगातार बेइज्जत करने का काम किया, लगातार मुझको धमकाया जा रहा था, 20 बार उन्होंने कहा कि बर्बाद तुमको कर देंगे। तो भाई देखिए, ऐसा है कि इस देश में समाजवादी चोला पहनकर माननीय नीतीश कुमार जी जैसा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं। आप लोग भी स्टैंड लेंगे ना सुनील जी, इसको लेकर स्टैंड? नहीं, पार्टी का स्टैंड इससे बेहतर क्या हो सकता है। मैं जिस तरह का सम्मान हमारे पार्टी ने दिया है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे 10 MLC कुर्बान, आप हमको सदन में रोक सकते हैं, सड़क से बोलने पर नहीं रोक सकते। भ्रष्टाचार जिस तरह से है, भ्रष्टाचार का जो गूंज है आपके कान को बेहते हुए आपके मस्तिष्क के अंदर घंटी बजाता रहेगा। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह आपको रात में भी सपने में याद आएगा। सुनील सिंह जिंदाबाद। राबड़ी देवी ने कहा कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, सदन में सबको नचाएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम लोग किसी को इस तरह से, जिस तरह से कार्रवाई की गई है रूलिंग पार्टी द्वारा, हम लोग प्रतिशोध की भावना में कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पूरे दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद जी जैसा दयालु नेता कोई भी नहीं है। और ये भी बता दें, ये जितने लोग हैं जो समाजवादी चोला पहने हुए, वो सभी लोग लालू यादव जी के राजनीतिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। डर गए हैं, राजनीतिक रूप से मनोबल आपका डाउन हुआ है सुनील सिंह जी? अरे भाई, राजनीति कोई आज मेरा नया बात है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी 18 वर्षों से लगातार हमको धूल चटाने के चेष्टा में लगे रहते हैं, जहां मौका मिलता है वो धूल भी चटाते हैं, लेकिन जनता मेरे साथ है, राष्ट्रीय जनता दल का करोड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ है। आप हमको क्या एक चौवा भी आप हमको पीछे नहीं कर सकते, एक चौवा। तो आपने सुना, सुनील सिंह साफ तौर पर कहते जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम छोड़ेंगे नहीं, वो सदन की बात, सदन में हमको चुप करा दिए, लेकिन हम सड़क पे लगातार हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं उनको लेकर कहा कि जिस तरह से वो हमको हमेशा साफ करना चाहे थे, हमको द्वेष की भावना से हमको मिटाना चाह रहे थे, उन्होंने ये सोची समझी साजिश की है। बहरहाल, खबर इतना ही, इसे तमाम खुलकर सब रहा, फर्स्ट विहार, झारखंड, देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।